गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और माना हमारे साथ फिर से हमारे सारे यार दोस्त, हमारे टूर वाले सारे फ्रेंड, ये हमारे साथ है मिस्टर वरुण। हाँ जी वरुण, एक्साइटेड आज जाने के बहुत लिए? ज्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये हमारे एज यूजुअल हमारे हाँ जी, दूधनाथ हाँ जी, जी और महावीर जी। हाँ जी, कैसे हो? आप बढ़िया भी है। हेलो करो हमारी यूट्यूब फैमिली को। और बताओ, आप भी एक्साइटेड हो हाँ दोनों यार, जाने के लिए? हाँ यार, मैंने सुना है वहाँ स्नोफॉल भी मिल सकता है हम लोगों को, हाँ तो बता रहे हैं, फोटो नहीं दिखा रहे, तो मिल जाएगा। स्नोफॉल के हिसाब से रेडी हो के आए हाँ हो रेडी ना हो गया सब? है, रेडी हो गया। बिल्कुल फुल रेडी हो के आए हो। तो चलो, अब चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ के, और कैसा मौसम है सब एंजॉय करेंगे रास्ते में। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस, अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नहाने। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, शाम के करीब 6 बज गए होंगे, हाँ, 5 बजे। पाँच और देख सकते हो आप, अभी मेरे पीछे भीड़ ज़्यादा है नहीं, क्राउड नहीं है। और अब हम जा रहे हैं, करीबन 4 घंटे ड्राइव करके दिल्ली से और अब पहुँचे। और ये हमारे चारों मित्रगण हमारे साथ। हाँ जी, ठीक लग रहा है? बढ़िया मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा, बढ़िया मौसम हो रहा है बढ़िया जी। तो लगेगा जब वहाँ ठंडे पानी में कुछ भी लगेगी गोता लगाते बढ़िया लगेगा। हाँ जी, शंकर बोले का नाम लेंगे, गोता मारेंगे। चलो जी, बढ़िया है, बड़े का नाम लेके गंगा मैया डुबकी लगाते। और ये हमारे वरुण जी ने अगोछा ओढ़ लिया है, कह रहे काफ़ी ठंड लग रही है इनको अभी, तो अभी जब ये डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा। है वरुण, डुबकी लगाएगा तो क्या होगा भाई? ये देखो दोस्तों, नज़ारा देखो आप एक बार। अभी शाम की आरती का समय हो चुका है, करीबन आधे घंटे बाद आरती होगी, तो आपको आरती भी दिखाएंगे। ये अब हम आ गए हर की पौड़ी पे और ये आरती का समय होने वाला है। देखो आप कितना अच्छा नजारा है ये। अभी चलते हैं, एक बार स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आरती स्टार्ट होगी तो आरती भी लेंगे। चलो लो जी, अब हम नहा धो के गंगे मैया में डुबकी लगा के आ गए हैं और अभी चलेंगे आरती दिखाएंगे। और एक बार अपने मित्रों से पूछ ले जरा कैसा मजा आया। हाँ जी, स्नान किया, कान ठंडे हो गए, पानी ठंडा है, सुन हो गए थे, पानी बहुत ठंडा है, पहली डुबकी मारते ही सुन हो चुके थे बिल्कुल। और मेरे ख्याल 2-3 ही और लगाई होगी इन्होंने अभी। आपने कितनी लगाई भाभी जी? पाँची लगाई जी पहली बार सुन लिया था प्रोग्राम तो है। चलो जी वरुण, आपने डुबकी कितनी लगाई भाई? मैंने लगाई 10 डुबकी। 10 डुबकी और सुन तो एक में ही हो लिया था, सुन पहली में हो गया था मजा बहुत आया लेकिन, है ना। चलो जी, ठंड में भी वैसे अलग ही मजा आया आने का। चलो बढ़िया जी, अब थोड़ी सी हाँ पेट पूजा करो थोड़ी। अब हम श्रीनगर पहुंच गए हैं, करीबन 10 बज गए हैं और अभी हमने डिनर करा है जस्ट। अब एक रूम लिया है यहाँ पे, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें फिर कल कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे जर्नी। हाँ जी, क्या कह रहे थे महावीर जी? मौसम ठंड तो काफ़ी है यार यहाँ पे। ठंड बहुत है, ये आप देख ही सकते हो, हमारे दूधनाथ जी तो आते स्वेटर में आ गए में आ गया ठंड काफी है। बढ़ेगी ठंड, हाँ अब और बढ़ेगी और आगे आगे तो और बढ़ेगी। स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है हमें सबको। तो चलो अब सोते हैं और कल सुबह फिर निकलेंगे यहाँ से। और अब मॉर्निंग में हमारा अराउंड 5 बजे का टाइम है और निकलते हैं मंदिर की तरफ, देखते कितने बजे पहुँच पाएंगे जल्दी से जल्दी। तो चलो लेट्स गो, चलते। हम पहुँच चुके हैं अब हम करण प्रयाग, और ये करीबन करीबन हम वहाँ से श्रीनगर से
50 किलोमीटर के करीब, 50-60 किलोमीटर आ चुके हैं। ठंड काफ़ी हो रही है, देख ही सकते हैं आप मेरे पीछे। सुबह अभी जस्ट सनराइज़ हुआ है, टाइमिंग होगी अराउंड 6 o'clock। और अभी एक हमें बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ये दो नदियाँ यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक ये इस तो एक अलकनंदा नदी है इसमें, जो ये हमारी इस साइड से इधर से आ रही है, ये अलकनंदा है। और इस नदी के बारे में, इसके बारे में आपको वरुण बताएंगे। हाँ जी, ये जो नदी आ रही है इधर से आ रही है, जो थोड़ा मिट्टी जैसा पानी है। हाँ जी, हाँ जी, इसको बोलते हैं पिंडर नदी। पिंडर नदी, अच्छा जी। इसका लोकल नाम है कर्णगंगा। कर्णगंगा, इसके नाम पे यहाँ का नाम भी पड़ा हुआ है, कर्णप्रयाग। अच्छा जी, तो वो ये नदी के कारण है। हाँ जी, ये दो नदियों का संगम है। अच्छा, तो मैं एक बार संगम दोबारा दिखाता हूँ व्यूअर्स को। ये देखिए जी, ये इसे संगम की बात कर रहे हैं हम। इसका कलर, करण नदी का कलर थोड़ा सा ब्राउन है ना? ब्राउन है, मिट्टी। हाँ जी, मिट्टी का कलर है। और जो वो आ रही है अलकनंदा, वो बिल्कुल साफ जला है, नीला कलर है उसका। भाई अभी नाश्ता करके निकले थे और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड सबको रास्ते में। अभी देखो यहाँ पे मिली है धूप, तो सब लोग निकल गए बाहर और धूप सेकने के लिए बैठ गए। गाड़ी हमने लगा दी है भाई साइड में एक तरफ, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और अपना मस्त यहाँ बैठ के धूप ले रहे हैं। और ये देखो जी सब अपना धूप में बैठ गए। ये हमारे दूध लाल जी तो आज बिल्कुल कप कभी छूट गए इनकी तो जड़ाए भर गए तो बहुत ज्यादा। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। हाँ भाई वरुण, धूप में मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई। सही, ठंड दूर हो गई बिल्कुल। हाँ ये बात तो है जी, ठंड दूर हो गई है, नहीं तो गाड़ी में भी काफी ठंड लग रही थी। बहुत ज्यादा ठंड है। अब थोड़ी सी धूप सेकते हैं यहाँ पे हम भी, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे जी। It sound right, boys. गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और अभी नीचे जा रहे हैं। बद्रीनाथ के कपाट हैं अभी बंद, अभी 4 बजे कह रहे हैं कपाट खुलेंगे, फिर दर्शन करेंगे। जब तक यहाँ कुंड है, एक कुंड में स्नान करेंगे हम, गर्म पानी का कुंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ बाबा के। ये देखिए दोस्तों, ये सामने मंदिर क्या है, अभी बंद है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। दरवाजा अभी बंद है। ये मंदिर की एंट्रेंस है। ठंड काफी है दोस्तों यहाँ पे, काफी ठंडी हवा चल रही है। देखिए ठंडा। और ये नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, ये पीछे से आ रही है और ये इधर की तरफ आगे जा रही है। ये देखिए हवा काफी तेज है दोस्तों। और चलते हैं अब, ये यहाँ पे कुंड है गर्म पानी का, उसमें स्नान करेंगे और फिर मंदिर में दर्शन करेंगे कपाट। चलो चलते हैं। ये कुंड है जी गर्म पानी का,
यहाँ अभी स्नान करेंगे, सब लोग नहा रहे हैं, इसमें स्नान करके फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलो चलते स्नान कर लेते। हेलो गाइस, वंस अगेन फाइनली हम नहा धो गए कुंड में। यहाँ पीछे जो देख रहे हैं मेरे पीछे येलो, ये कुंड था, बस नहा धो गए अब चेंज करके और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और चलो चलते हैं मंदिर में। पानी बहुत ही गर्म था महावीर जी, पानी गर्म था जी। हरिद्वार में जितना ठंडा था यहाँ उतना ही गर्म, इतना गर्म था जी सा आया जी। वैसे यार मौसम बहुत ठंडा, मौसम तो ठंडा है, पैर हो रहे बिल्कुल ठंडे चिल्ड। अर जी पानी बहुत गर्म था, स्नोफॉल हुआ यहाँ परसों ही। और अब चलते मंदिर की तरफ, आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। चलिए दर्शन करते हैं, ये है बद्रीनाथ बाबा के कपाट, लेट्स गो। गाइस अभी हम यहाँ से दर्शन करके एग्जिट कर चुके हैं। ये बद्रीनाथ टेंपल है, आ गए बाहर। एक्चुअली अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैं मूर्ति की फोटोग्राफी नहीं कर पाया, बट बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और बस अब निकलते हैं बाहर की तरफ। फाइनली अब हम अपने दर्शन करके भाई रूम पे आ चुके हैं अपना। सब लोग ठंड बहुत है यार, हाथ कांप रहे। दूधनाथ जी तो रजाई में घुस लिए अंदर, हाथ गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ही बारे में। तो बस चलो कुछ खा लेते हैं गाइस, हम भूख लग रही है काफ़ी। और फिर आके आपको माना वगैरह दिखाएंगे, कल घुमाएंगे जो जो प्लेस होंगे और भी वो सब जाएंगे। ओके गाइस बाय बाय। हेलो एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों अब हम बद्रीनाथ से निकलने की तैयारी में है। सुबह का टाइम लगभग 6 बजे का हो चुका है और हम सब रेडी हो गए। ये देखो नहाने की हिम्मत किसी की हो नहीं रही है। तो बस फ्रेश हुए हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से, माना के लिए चल रहे हैं। माना में आपको दिखाते हैं वहाँ पे जो भी हाइलाइट्स हैं, एक स्पेशली लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया है वो दिखाएंगे। और अब चलते हैं माना की तरफ, निकलते हैं। वरुण तो कुछ कंफ्यूज हो गए बैग में, ठंड में दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। हाँ जी वरुण, क्या बात, पैकिंग वैकिंग होगी है सब? तो आज नहाने का विचार नहीं था सुबह आपका? आज हमारे मेन बाबा जी है, ये यही फेल हो गया तो और तो किसी की मत ही नहीं हो पा रही। हाँ जी दूधनाथ जी, आपकी तबीयत अब ठीक है? चलो और ऊपर चल के देखते क्या विचार बनेगा आज। ये हमारे महावीर जी हैं, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हाँ जी ठीक हो आप? बिल्कुल ओके। हाँ अब चल रहे हैं हम, अब निकल रहे थे बद्रीनाथ से माना के लिए, तो जा रहे थे बाहर गाड़ी की तरफ। तो देखिए अभी ये सारा स्नोफॉल आज रात को ही हुआ है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं सामने। ये कल ये स्नोफॉल नहीं था बिल्कुल हाइट पे, जो है ये आज ही हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बताते हैं यहाँ एक बाबा हैं और ये ऊपर तपस्या कर रहे काफ़ी साल से इसी में, ये उन्हीं के रहने की जगह है। चलते हैं आगे। ये खड़ा हमारा झोटा और काफ़ी गंदगी हो रही है यहाँ, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। बस ये है थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी काफ़ी, तो अब रखते हैं सामान वगैरह अपने। चलो सामान वान लोड हो गया, अब बैठते हैं गाड़ी में और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। आ,
काफी ठंडी हो रही है सीट भी। ठंड में वाकई में व्लॉगिंग आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही टफ है। अभी करंटली टेम्परेचर आ रहा है यहाँ का -9, काफी ठंड हो रही है। लीवर भी, गियर लीवर भी पूरा जैम सा हो रहा है। ओह, तो करते स्टार्ट बाबा का नाम लेके। बोल शंकर भगवान की जय, बद्रीनाथ महाराज की जय। देखते हैं गाड़ी एक सेल्फ में होती या नहीं होती स्टार्ट। जय भोले शंकर। लो जी, एक सेल्फ में गाड़ी होगी स्टार्ट। ये देखो भाइयों, ये बोतल हमारी गाड़ी में रह गई थी तो इसमें अंदर आइस जम गई है। देखो, देख पा रहे हो क्या? ये पूरी रात गाड़ी में थी, पूरी बोतल जम गई है। और वाइपर मैंने अभी ऑन करा है गाड़ी का, तो वाइपर में से पानी नहीं आ रहा, जम चुका है सारा पानी। गाइज, ये लो, अब हम पहुँच गए हैं लास्ट इंडियन विलेज माना की तरफ। देख सकते हो अब सामने आ गया है लास्ट इंडियन विलेज का बोर्ड लगा हुआ। यहाँ से माना की एंट्रेंस है। और यार ठंड बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। शीशा क्लियर होने में 5 मिनट लगा दी गाड़ी की। ये देख सकते हो आप, ये माना विलेज आ गया ये सारा। और आसपास सारा मिलिट्री एरिया ही। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं माना। गाड़ी हमने पार्क कर दिया और ये आई थिंक यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी चलते आगे की तरफ। यार लाइफ बड़ी टफ है यार। यहाँ ये अलकनंदा रिवर है जो आ रही है पीछे से, नदी बहती हुई। यहाँ अभी डेवलपमेंट चली रही है। देखिए यहाँ ना, आई थिंक गेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए माना विलेज के लिए। और ये सारा मार्केट एरिया भी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए मॉर्निंग में। ये सारा आई थिंक 9-10 बजे तक ओपन होगा। ये देखिए सारा माना विलेज है अंदर। यहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह ले सकते हो थोड़ा सा। अभी यहाँ से 2 रास्ते हैं एक्चुअली, मैं आपको दिखाता हूँ। एक रास्ता तो जा रहा है, बोर्ड साइन बोर्ड देख सकते हो। राइट में अगर जाओगे गणेश गुफा, व्यास गुफा है। लेफ्ट में भीम पुल वगैरह, ये गणेश गुफा के लिए एंट्रेंस है। तो हम अभी इधर से जा रहे हैं और चलते हैं। ये देखिए, ये है जी गणेश गुफा। ये है, ये गणेश गुफा है। फोटोग्राफी वगैरह यहाँ भी बैन है, अंदर लिखा हुआ भी। तो हाँ जी भाई, क्या बता रहे थे आप, बताओ थोड़ा। ये है गणेश गुफा। अच्छा जी, यहाँ पर बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। अच्छा, बोली गई थी वेद व्यास के द्वारा। अच्छा, लेकिन लिखी थी गणेश जी भगवान। अच्छा, और ये वो दुकान है भारत की आखिरी चाय की दुकान, अभी खुली नहीं, हालांकि शायद हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए इसलिए। इसी के सामने वेद व्यास जी की गुफा भी है। ये और ये है वो इंडियाज लास्ट टी शॉप। देखते हैं, यहाँ वेट करेंगे, अगर खुलती है तो ज़रूर चाय पी के चलेंगे यहाँ से। हमें इधर से होते हुए वहाँ कहीं जाना आगे की तरफ, तो चल रहे हैं धीरे धीरे, पहुँचते हैं वहाँ, आपको दिखाते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, चल रहे हैं अब। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, सब कुछ सुनवा पड़ रहा है। हाथ निकाल के और व्लॉग करना भी बड़ा टफ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप सभी फैमिली, आप मेरी, आप सब के लिए ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि मैं अपने थ्रू आप लोगों को भी एंजॉय करवा पाता हूँ। बाकी यहाँ आप लोग आइए, अगर आ सकते हो, यंगस्टर्स तो स्पेशली आ सकते हैं,
तो जरूर आइए, ट्रैवल करिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस है लाइफ का। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आके ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्यों महावीर जी, मैं बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि आप लोग जरूर आइए अगर आ सकते हो तो। यार आना चाहिए, नहीं यार आना चाहिए ना, मौसम है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, ठंड बहुत है, हाथ निकल नहीं रहे बाहर जैकेट से, पर ये भी अलग ही मजा है। आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे काफी चीजें देखने को मिल रही है। तो चले आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आप अपना प्यार यूं ही देते रहो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाता रहूंगा। वो सरस्वती नदी ये देखिए, ये यहाँ से बह रही है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से आ रही है सरस्वती नदी इस साइड से, और नीचे जा रही है आगे, यहाँ देख पा रहे होंगे आप नीचे विलुप्त हो रही है इसके बाद, ये देखिए नीचे ये विलुप्त हो गई है यहाँ पे, और इसके बाद ये नीचे से कहाँ जा रही है ये सब बताएंगे आपको हमारे वरुण जी। लो आइए इनसे पूछते हैं। हाँ जी वरुण जी, ये है वो सरस्वती नदी, ये अभी मैं बता रहा था व्यूअर्स को, दिखाया मैंने सब, तो ये नीचे कहाँ विलुप्त हो रही है अभी इसके बाद, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, ये बताइए कहाँ विलुप्त हो रही है ये, पता नहीं अलकनंदा नदी में इसका मिलन हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये यहाँ से निकलती कहाँ है फिर, ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद में और संगम पे, तो ये चमत्कार है जी। चलो बहुत ही अच्छा नजारा है, यहाँ से पूरा पैसेज करके आए हम, ये सरस्वती नदी है जो आ रही है, ये देखिए ये इसका ओरिजिन जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ये ओरिजिन है। और ऊपर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये आ रहा है जो मैक्सिमम जहाँ तक हमें दिख पा रहा है, ये है ओरिजिन, ये आ रहा है नीचे तक, सरस्वती नदी है ये। तो चलिए और दिखाते हैं आपको, भीमपुल है, भीमपुल। अच्छा अच्छा जी, ये है वो भीमपुल हो रहा, अच्छा अच्छा ये है वो भीमपुल, ये पत्थर बता रहे हैं वरुण जी हमारे कि ये भीम ने उठा के रखा था, ये किस लिए रखा था वरुण जी ये तो बताइए। जब उनकी पत्नी को पुल पार करने में कठिनाई हो रही थी, अच्छा द्रौपदी को, अच्छा तब भीम ने उठा के रखा, तब इसके ऊपर से द्रौपदी आगे स्वर्ग की ओर चले। अच्छा अच्छा, तो ये वो स्वर्ग का रास्ता है बताते हैं, ये भीम पुल है जी, यहाँ से पार करा था द्रौपदी जी ने रास्ता सरस्वती नदी के ऊपर से जाने के लिए, ये रखा था वो। तो चलो और चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ये है भीम पुल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप, और ये अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन और फर्दर चल ही रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये आई थिंक सरस्वती माता का मंदिर बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये है जी भीम पुल की भीम शिला जो भीम ने रखी, ये वो भीम शिला थी जिसको अभी पार करके आए हम। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं माना के, और एक हमें यहाँ भी टी स्टॉल मिली है, इस पर भी लिखा हुआ लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया, तो आई थिंक यहाँ इन्होंने काफ़ी बना दिए हैं, मार्केटिंग चल रही है और कुछ नहीं है, दुकानें सारी बंद पड़ी है, पता नहीं ऑफ सीज़न की वजह से या अभी खुली नहीं है, टाइम तो बाकी अब 8 बज ही चुके हैं लगभग। और ये देख रहे हैं अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है, लगभग टूरिस्ट यहीं तक आ रहा है, एक बार व्यूअर्स को मैं दिखाऊँगा, व्यू देखें आप, सारा स्नोफॉल से कवर्ड है चारों तरफ, कल रात को यहाँ स्नोफॉल हुई है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा। तो ये लास्ट पॉइंट है बस, और
अब इसके बाद हम थोड़ा 10-15 मिनट चिल आउट करके यहाँ पे और फिर निकलते हैं वापसी दिल्ली की ओर. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered.